Assalamualaikum everyone and welcome back to Shazeen Vlogs. So guys, आज मैं आप लोगों का दोबारा से वेलकम करती हूँ. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सेल की ड्रेसेस लेकर आई हूँ, जो कि सफायर ब्रांड है. आप लोग देख सकते हैं कि ये भी रेडी टू वेयर और जो है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है मैं आप लोगों को पहन कर भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इनकी लुक आने वाली है. क्योंकि कभी कभी कुछ कपड़े जो है देखने में बहुत प्यारे लगते हैं मगर पहन के अच्छे नहीं लगते, और कुछ जो होते हैं वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते मगर वो पहन के बहुत अच्छे लगते हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा कुर्ता लेकर आई हूँ. आप लोग देखें इसके ऊपर जो ये सारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी की जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा इसका पूरा नेक ऊपर से लेकर और जो इसकी ये वाली चीज़ है ये टोटली सारी एम्ब्रॉयडर्ड है. और ये थोड़ी सी कोई यूनिक सा डिज़ाइन है. उसके बाद आप लोग देखें कि इसकी शर्ट के जो पैनल्स हैं यहाँ पे, इनके अंदर कितनी अच्छी सी ये पाइपिंग्स लगी हुई हैं तो बोथ साइड्स पे, तो ये इसकी लुक को बहुत अच्छा कर रही है. और आप लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा इस तरह से प्रिंटेड कुर्ता है. एंड जो इसका कपड़ा आप लोग देखें, बड़ा ही कोई स्पेशल कपड़ा है जिसके अंदर जो है वो मैसूरी की लाइंस हैं. आप लोग देख लें कितना क्यूट सा इसका कपड़ा है, बड़ा शाइन कर रहा होता है. ये देखें, आई होप कि आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है ये शाइनी सा फैब्रिक है. इसके कलर्स एंड प्रिंट्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं. और इसके बाद इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन देखें, ये कितना प्यारा है. सफायर की मोस्टली जो कुर्ते हैं उनके ऊपर जो है ये वाली स्लीव्स का डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है पहन कर भी. आपकी जो स्लीव्स हैं उसकी बहुत ही एक फिनिश्ड सी लुक आती है. तो ये इस तरह से है, इसके ऊपर सारा प्रिंट ऐसे है और फिर इसके बटन्स हैं एंडिंग्स के ऊपर. तो आप लोग अपने डिज़ाइनिंग के लिए भी यहाँ से आइडियाज़ लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को रेडी टू वेयर कपड़े दिखाती हूँ और उनकी डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट होती है, जो कि हम लोग उनको कॉपी भी कर सकते हैं अपने दूसरे कपड़ों पर. तो जी ये आ गई इसकी बैक साइड. बैक साइड से भी बहुत प्यारा है. और मुझे किसी ने कमेंट में लिखा कि आपके ऊपर छोटी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, एंड थैंक यू फॉर दैट. क्योंकि मुझे ये वाला कॉम्प्लीमेंट काफ़ी लोगों ने दिया है कि आपके ऊपर लॉन्ग शर्ट्स से ज़्यादा शॉर्ट शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है. तो मैंने भी जो उनको रिप्लाई किया, एंड प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स से वो आप ही लोगों के लिए, आप लोग उधर पूछा करें जो भी बात है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सबको रिप्लाई करती हूँ. ऐसी बात नहीं है कि मैं कॉमेंट्स नहीं रीड करती, मैं सबके ही कॉमेंट्स रीड करती हूँ. तो ठीक है, कमेंट बॉक्स जो कि आप लोगों के लिए एंड दैट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, तो वहाँ पे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं. तो अब मैं आप लोगों को इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा दिखा देती हूँ. इसका आप लोगों ने डिज़ाइन देखा कितना अच्छा, जैसे कि कोई पीकॉक डिज़ाइन होता है ना, कलर्स भी उसी से ही इंस्पायर्ड हैं, बहुत ही प्यारा. आप इसका जो ब्यूटीफुल दुपट्टा है वो देखते हैं. तो जी ये आके इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, और इसका दुपट्टा जो है ये भी बैम्बर टिश्यू दुपट्टा. और किसी ने कमेंट में लिखा था कि बैम्बर टिश्यू दुपट्टा जो है वो कौन सा होता है, क्या ये नेट होता है, लॉन होता है? नहीं, ये टिश्यू का ही दुपट्टा होता है, जैसे कि जस्ट लाइक सिल्क, काइंड ऑफ सिल्क दुपट्टा है. और इसका जो कपड़ा है आप लोग देखें, सिल्क का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा. इसमें भी देखें इस तरह से प्रिंट्स दिए हुए, जैसे कि शर्ट में लाइंस दी हुई हैं, तो इसके दुपट्टे में भी वही प्रिंट्स हैं. एंड देन आप लोग इसकी ये स्लिट्स देखें कितनी प्यारी लग रही है दुपट्टे की, जो इन्होंने बाउंड्री बनाई है, जो इस शर्ट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कलर, लाइट वाला पर्पल. और उसके बाद जो यहाँ पे भी दुपट्टे के कॉर्नर्स पे, फोर साइड्स पे टसल्स लगे हुए हैं. ये लोग ये चीज़ें आप अपने अनस्टिच कपड़ों में भी कर सकते हैं.
अब आ गया है मेरा मोस्ट फेवरेट एंड वेरी एलिगेंट ड्रेस। आप लोग इस वाले को देखें, इसकी जो खूबसूरती है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती जो इसकी रियलिटी में खूबसूरती है। इतना खूबसूरत ये ड्रेस है और ये पूरा का पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, लगता है कि ये प्रिंट हो, लेकिन ये पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। आप लोग करीब से देख लें इसकी लुक को, जैसे कि सिंधी वर्क होता है या बलोची ट्रेडिशनल काम होता है, इस तरह से काम है। और इसका आप लोग फैब्रिक देखें, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा सी थ्रू हो रहा है। तो इतना ही कोई ज़बरदस्त सा इसका कपड़ा है ना, ये भी विंटर्स का है और बहुत ही इसका अमेजिंग सा कपड़ा है। कपड़ा आप लोगों ने देखा कि जिसमें बेस के ऊपर जो है वो प्रिंट्स दिए हुए, और इनका जो सफ़ायर का ये कपड़ा होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके अंदर बेस प्रिंटेड होती है। बेस क्या मतलब, फैब्रिक ही प्रिंटेड होता है। तो ये बहुत ही एलिगेंट ड्रेस है। इसकी स्लीव्स आप लोग इस तरह देखें, ये थ्री पीस था, ये भी रेडी टू वेयर। इसके ट्राउज़र के जो पांचे हैं उनके ऊपर भी इस तरह से एक लाइन बनी हुई है, जैसे कि स्लीव्स पे है। तो आप लोगों को मैं इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब मैं सेल में गई थी तो ये वाला ड्रेस सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में था, और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये कलर आप लोग देखें, ये कलर जो है ना बहुत ही अमेजिंग कलर है। ये कलर कहाँ मिलता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि आपको इतने ब्यूटीफुल कलर्स मिल जाए। तो ये मैरून का शेड है, डार्क सा, और बहुत ही प्यारा है। उसकी बैक साइड दिखाऊं तो वो भी पूरी की पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, जैसे कि इसका फ्रंट है। तो जी गाइज, ये आ गई इसकी बैक साइड से लुक, पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडर्ड। और आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की, इसके डिज़ाइन कितना प्यारा है। ये वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। इन्होंने जो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे होल सा बना के उसके ऊपर टसल्स लगाए हैं। उसके बाद जो है ना, ये वाला ड्रेस की मैं आप लोगों को स्टिचिंग स्टाइल दिखा देती हूँ। ये भी लूज सा कुर्ता, एंड मैं अब आप लोगों को उसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस जो था, मैं आपको उसका पहले साइज दिखा दूँ कि कौन सा साइज है। साइज जो है XL चाहिए था स्मॉल में, लेकिन क्योंकि ये ड्रेस ही इतना प्यारा था तो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मगर मैं ये ड्रेस नहीं छोड़ सकती। तो अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। तो जी गाइज, ये आ गया इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। आप लोगों ने देखा ये खद्दर में है, सॉफ्ट सा बिल्कुल कपड़ा है, क्योंकि इनका ये वो वाला नहीं होता कि बहुत ही मोटा खद्दर जो आप कैरी ना कर पाए। इसका बहुत ही अमेजिंग सा कपड़ा है। इसके अंदर भी जो है मैसूरी की लाइंस हैं, और इस पे भी दुपट्टे पे हैंगिंग्स टसल्स लगी हुई है, और जो सफ़ायर के जो भी रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं ना, उन सब के ऊपर ये टसल्स लगी होती हैं। आप लोग दुपट्टा देख, इस तरह से जैसे कि शर्ट पे प्रिंट्स हैं, उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी, उस तरह की इन्होंने दुपट्टे पे प्रिंट्स ले लिए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके टसल्स भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसके टसल्स लगे हुए हैं फोर साइड्स। जो भी रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं ना सफ़ायर, उनके ऊपर टसल्स हैंगिंग्स ज़रूर लगाता है, उसी से वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो जी, ये आ गया दुपट्टे की लुक बैक साइड से। तो बैक साइड से भी आप लोग देख लें कि कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा, ऐसा लगता है कि इसमें कोई शीशा वर्क हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रिंटेड दुपट्टा है।
और जी गाइस, अब आ गया एक और अमेजिंग सा ड्रेस जो कि ये भी सेल से लिया है और इसकी प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ 2 piece 2800 का था, जबकि जो है इसकी फुल प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। 50% से आप लोग लगा लें कैलकुलेशन के 50 में जो है, अगर 28 का ये था तो फिर ओरिजिनली कितने का होगा। और जो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट मैरून दिखाया है, मैरून वाला जो है वो 11,000 का था, डिस्काउंट वो ड्रेस मिला था 5500 का 3 piece। तो आप लोगों ने देखा, तो ये इसकी भी उसी तरह से स्लीव्स हैं जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बटन्स वाली डिटेल्स बताई हैं स्लीव्स की। उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने देखा इन्होंने किस तरह से जो प्रिंटेड बॉर्डर्स हैं उनको इतना अच्छा स्टिच किया हुआ है, इस तरह से लुक आ रही है इसकी, बहुत ही प्यारी। और ये भी कॉटन है, थोड़ा सा थिक स्टफ है, विंटर्स का। इसका गला आप लोग देख लें, इसका गला मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक लॉन की शर्ट के ऊपर इसको कॉपी कर लूँगी, क्योंकि ये भी जो है इसकी इस तरह से गले के अंदर स्लिट्स लगी हुई हैं। आप लोग देखें कि कितना अच्छा है ना, तो ये वाला गला और इसके ऊपर जो बटन्स हैं और सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी शर्ट की स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपने प्रिंट तो देख लिया। आप देखें इसके अंदर जो है ना, ये पैनल्स लगे हुए हैं शर्ट के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और इसको एक फ्रॉक स्टाइल शर्ट बना रहे हैं। और इसकी जो है शॉर्ट इसके चॉक्स हैं, आप लोग देख लें। मैं आप लोगों को इसी वजह से इतनी डिटेल बताती हूँ ताकि जो है जो लोग स्टिचिंग का आइडिया लेना चाहते हैं तो उनको स्टिचिंग का भी यहाँ से आइडिया हो जाए और आप लोग अपने टेलर को इजीली समझा सके कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। आप वाली कली ली हुई है एंड अदर वन जो है वो यहाँ से है, तो इस तरह इस शर्ट की लुक है वो बहुत ही प्यारी आती है पहन कर। मैंने पहना है, मैं आपको पहन के भी इसको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी गाइस, अब आ गया इसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा, मेरा बहुत ही फेवरेट दुपट्टा है। अच्छा, ये दुपट्टा इतना प्यारा है कि इसको हम किसी और शर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सी स्टाइल में दुपट्टा दिया हुआ है और ऑर्गेंजा दुपट्टा है। आप लोग देख लें इसको इस तरह से, इसके अंदर जो ये गोल्ड कलर की लाइन्स भी एंड इट इज ऑल प्रिंटेड, और इसके कलर्स बहुत प्यारे। इन्होंने ग्रीन रखा है, जैसे कि आपने देखा सेंटर में ग्रीन था गला, स्लीव्स वगैरह, तो इन्होंने पूरी बेस जो है दुपट्टे की वो ग्रीन रखी है, मगर जो इसके कॉर्नर्स हैं वो इन्होंने पिंक कर दिए हैं। तो इसके साथ जो है ना, एक कॉन्ट्रास्ट के अंदर बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है इस ड्रेस का पहनकर। और ये सिंपल है, क्योंकि सिंपल कपड़े जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं कैजुअल कपड़े। तो जी गाइस, अब आप लोग इसके दुपट्टे की लुक देख सकते हैं कितना प्यारा। और ये ग्रीन कलर जो है ना, ये भी बड़ा स्पेशल कलर है, एक तो अजीब सा ग्रीन होता है मगर ये बहुत ही क्यूट सा कलर है। आप लोगों ने देखा कि इसके ऊपर इस तरह से प्रिंट्स आए हुए हैं सारे, और ये वाले दुपट्टे आजकल बहुत ही फैशन में, ऑर्गेंजा इसका फैब्रिक है जो कि आप इसको पेयर अप कर सकते हैं अपनी किसी और भी शर्ट के साथ।